हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रॉयल एटिंग ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस पिक्सार्ट के अंदर मैंने कर लिया है बैकग्राउंड को ओपन, तो इसका लिंक भी दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, सिंपली जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली हम एड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड इस PNG को एड करेंगे। तो देख लीजिए गाइस इस PNG का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी PNG एंड बैकग्राउंड यूज़ करूँगा मैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बड़ा करके कुछ इस तरीके से इसको लगा देना है एंड यहां से इरेजर पर क्लिक करना है एंड इसके साथ में थोड़ा कम कर देना है, कुछ इस तरीके से यहां से इरेज कर देना है तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है एंड यहाँ से कर देना राइट एंड गाइस ऊपर से भी यहाँ से भी कर देना आपको राइट एंड गाइस अब इसमें हम मॉडल ऐड करेंगे। तो सिंपली यहां से हम ड्रॉ टूल के अंदर जाएंगे एंड मॉडल को ऐड करेंगे। तो सिंपली यहां लेयर पैनल को अपन ओपन करेंगे एंड यहां से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड फोटो को ऐड करेंगे तो गाइस कुछ इस तरीके की पोज में आपको फोटो क्लिक करा लेना है एंड इसको ऐड करते हैं हम और यहां से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और सेट कर देते हैं। तो गाइस देख लीजिए कुछ इस तरह के पोज में आपको फोटो क्लिक करा लेना है अपने दोनों हाथ ऊपर रख के एंड यहाँ अच्छे से इसे सेट कर देते हैं एंड इसके बैकग्राउंड को इरेज कर देना है। तो यहाँ से हम इरेजर पर क्लिक करते हैं एंड इसके हार्डनेस को देख लेते हैं। तो इसके हार्डनेस को आपको ये वाला फर्स्ट वाला ब्रश यूज़ में लेना है एंड इसके हार्डनेस को ओपेसिटी को फुल कर देना है, इस साइज को अपने हिसाब से कर लेना है एंड यहाँ से बैकग्राउंड को सिंपली इरेज कर देना है। तो गाइस फटाफट से मैं इसके बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ। जैसा ही गाइस मैंने बैकग्राउंड को परफेक्टली कर लिया है इरेज, तो सिंपली हमें इस पर बनाना के अंदर इसे सेट करना है। तो पीछे जो बनाना है इसके अंदर अपन हमें ये सेट करना है। तो सिंपली यहाँ से हम इसके ऑपोजिट को कम कर लेते हैं पहले कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे ट्रांसफर पे क्लिक करके इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर थोड़े अच्छे से आ जाए। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको कर लेना है एंड यहाँ से कर देना है राइट एंड गाइस इसके बाकी के पार्ट को इरेज कर देना। तो कुछ ये डार्क एरिया है जिसे हम इरेज करना है, जो हमें नहीं चाहिए उस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ तक ऊपर तक हम इसे आसानी से इरेज कर देते हैं धीरे धीरे एंड यहाँ से ब्रश पे क्लिक करना है एंड इसकी थर्ड नंबर का ब्रश है जो सेलेक्ट करना है एंड इसकी ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देना है एंड यहाँ से सेट कर देना है इसको एंड हल्का हल्का कुछ इस तरीके से गाइस आपको फेरना है। तो ब्लर टाइप में कुछ इस तरीके से गाइस ये रियलिस्टिक लगेगा थोड़ा एंड यहाँ से कर देना है गाइस लेयर पैनल को ओपन एंड यहाँ से 100% ओपेसिटी कर देनी है एंड यहाँ से अगेन एम्प्टी लेयर को क्रिएट करना है एंड ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड हेयर की PNG लेके आया हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं हेयर की PNG को ऐड कर लेता हूँ। गाइस इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और बैकग्राउंड का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली इसको छोटा करके कुछ इस तरीके से हमें लगा देना, देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से एंड और भी हेयर PNG की ज़रूरत हो आपको तो सिंपली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एंड वहां से हेयर PNG डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके फेस पे अच्छे से प्रॉपर बैठ जाए, उसी का ही आपको यूज़ लेना है। एंड गाइस इसके बाकी के पार्ट को इरेज कर देना, तो यहाँ से इरेजर पर क्लिक करते हैं एंड इसकी हार्डनेस को साइज को फुल कर लेते हैं एंड ओपेसिटी को भी हल्का सा ज़्यादा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड इसको इरेज करते हैं कुछ इस तरीके से आपको कर लेना। तो गाइस इसे हम ओपन करेंगे हम लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर जहां हम करेंगे कलर ग्रेडिंग इसकी जो भी बहुत ही अच्छी, तो यहां से सिंपली हम इसे सेव कर लेते हैं। तो जैसा ही फ्रेंड्स मैंने लाइट रूम को कर लिया है ओपन, तो सिंपली यहां से एड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम टाइम पर क्लिक करेंगे एंड अभी जो पिक्सार्ट के अंदर हमने फोटो सेव किया था उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एड करेंगे एंड यहाँ से ऐड करेंगे एंड गाइस इसकी हमें कलर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, तो सिंपली यहाँ से ब्राइटनेस पे हम क्लिक करेंगे कलर एडजस्टमेंट में एंड इसकी कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे एंड एक्सपोजर को हम कर देते हैं थोड़ा सा कम कुछ इस तरीके से एंड शेडर्स को हल्का सा बढ़ा देते हैं
एंड वाइट को हल्का सा कम कर देते हैं, एंड हाईलाइट को भी बिल्कुल कम कर देते हैं गाइस कुछ इस तरीके से, एंड वाइट को हल्का सा ज़्यादा कर देते हैं, एंड ब्लैक को कर देते हैं कम। एंड गाइस यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे एंड इसको वाइब्रेंस को हम हल्का सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, एंड इसकी सैचुरेशन को हम कर देंगे कम, तो कुछ इस तरीके से सैचुरेशन को कम कर देना है। एंड यहाँ से मिक्स पे क्लिक करेंगे, ऑरेंज पे क्लिक करेंगे, एंड ऑरेंज के लुमिनेंस को हम बढ़ा देंगे तो फेस का कलर हमारा ब्राइट हो जाएगा, एंड सैचुरेशन को कर देते हैं कम, एंड रेड की सैचुरेशन को हम हल्का सा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से, एंड इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे एंड इसकी विब्रेंस को हल्का सा और बढ़ा देते हैं, एंड यहाँ से क्लैरिटी पे क्लिक करेंगे एंड क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, एंड विग्नेट इफेक्ट को थोड़ा डाल देंगे हम कुछ इस तरीके से, एंड हाईलाइट को कर देंगे कम, एंड नॉइस को भी इसको हमें कम कर देना है, शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे, एंड नॉइस को भी हल्का सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से गाइस कर लेना है। तो गाइस देख लीजिए पहले कुछ इस तरीके का फोटो था, लाइटिंग के अंदर आने के बाद कुछ इस तरह फोटो हमारा बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए जरूर से कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।